हेलो बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु में। हमारी ऑफलाइन क्लासेज इलाहाबाद में चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का एक चैप्टर है जो केमिस्ट्री से आता है, पहला चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का रिव्यू। आज से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं आपकी, आपको रेगुलर बेसिस पे केमिस्ट्री की क्लास नाइन्थ की और टेंथ की वीडियोज मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मैटर क्या होता है, क्योंकि देखो चैप्टर का नाम ही क्या, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैटर समझते हैं क्या होता है। वी हैव टू डिफाइन मैटर, मैटर क्या होता है। अगर मैं मैटर की बातचीत करूँ, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास एंड वी कैन फील दैट बाई आवर फाइव सेंसेस, यानी कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो, ठीक है, उसके पास अपना कुछ ना कुछ मास हो, तो उसे हम कहेंगे कि क्या है, ये एक मैटर है। जैसे मैं बातचीत करूँ तो मार्कर भी क्या, एक मैटर है, क्योंकि देखो इसका कुछ ना कुछ वेट मास होगा, ठीक है। अब इसको हम फील भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, एक मास है। और इसको रखेंगे तो कहने की स्पेस भी ये अकुपाई करेगा, ये बोर्ड भी आपका क्या है, मैटर है। वी आर ऑल्सो मैटर, हम लोग भी क्या, एक मैटर ही है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हैं, स्पेस घेरे हुए हैं, और हमारे पास कुछ कंसिडरेबल मास भी है। आए समझ में मैटर क्या होता है। अब देखिए मैटर के एग्जाम्पल मैंने बताया कि मार्कर, बोर्ड, एयर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, एवरीथिंग विच हैज मास इन अकुपाई स्पेस नोन एज मैटर। क्लियर हो रहा है। अब एक चीज हमें और समझना है कि मैटर क्या नहीं होता है, यानी किसको हम कहेंगे कि मैटर नहीं है, आप लोग बता सकते हैं कि मैटर क्या नहीं है। चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, फीलिंग्स हो गए, ये सब क्या है, मैटर नहीं है भाई। क्लियर हो रहा है। अब देखिए जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर मैटर का डेफिनेशन मैं लिख दूं, देखो मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा पूरा आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, यानी कि पूरा नोट्स आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वी कैन फील दैट बाई आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है बताते रहो, आप लोगों ने बताया मैंने, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हमारा मार्कर भी है, बोर्ड भी है, ETC, यानी सब क्या है, सब मैटर्स हैं। अब देखो कोई भी मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, जो मैटर होता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। वो जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, वो पार्टिकल एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मैंने क्या बताया, जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। अगर एग्जाम्पल लें हम लोग, जो ये मार्कर है हमारा, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ समझाऊं कि जैसे कोई भी नॉन लिविंग है, ठीक है, इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, यानी किन चीज़ों से छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना होता है, यानी कि इसकी बेसिक यूनिट एटम होता है। एटम क्या होता है, अगले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपको समझ में आएगा। एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, यानी ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। और जो मॉलिक्यूल से बनता है वो क्या होता है, हमारा मैटर। यानी आप देख पा रहे हैं कि मैटर का जो बेसिक यूनिट है क्या है, एटम है। यानी कोई भी मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये बना होता है। क्लियर हो रहा है। अब देखो ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, ये जो अभी बताया मैंने, जो मैटर होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो आप, कि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। सोचो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एज्यूम भी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो एक वाटर का
ड्रॉप होता है ना, वाटर का एक बूंद होता है छोटा सा ना, जो पानी का एक बूंद होता है भाई, उसमें जो पार्टिकल होते हैं 10^21 पार्टिकल्स होते हैं। एक छोटे से पानी के बूंद में कितने पार्टिकल होते हैं? 10^21 पार्टिकल्स। दिमाग चकरा रहा है ना कि कितने छोटे वो पार्टिकल्स होंगे एटम के। क्लियर हो रहा है? अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये हमने देखा कि मैटर क्या होता है, और जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। हम लोग थोड़ा सा जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थोड़े कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और ऊंचा बोलता भी हूँ। तो कमेंट थोड़ा अच्छे से करिए और बताइए क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या चीज़ें समझ में आ रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो जो पार्ट अभी मैंने बताया कि जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है, तो हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल होते हैं उनके कुछ गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे भाई, बोलते रहो साथ में, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बताया मैंने, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। देखो इस चैनल की खासियत क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ेंगे पूरा नोट्स के साथ पढ़ेंगे, मैं पूरा चीज़ लिखवा के पढ़ाऊंगा आपको, आपको कोई दिक्कत कहीं से नहीं आने वाली है। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि नोट्स का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में नोट्स मैं पूरा बोर्ड पर आपको दूंगा। ठीक है, तो जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस बने रहिए और देखते रहिए, दिखाते रहिए, शेयर भी करिए। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैंने आपको बताया जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि एक वाटर के ड्रॉप में कितने पार्टिकल होते हैं भाई, 10^21, समझ रहे हो कितना बड़ा होता है ये अमाउंट। 10 को हम क्या करेंगे 21 टाइम्स लिखेंगे, तो जो आएगा वही क्या होता है, एक वाटर के ड्रॉप में पार्टिकल्स होंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी कि जो पार्टिकल होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया आपको। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, यानी मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तब पता चलेगा कि वाकई में स्पेस होता है कि नहीं होता है। आप लोग देख लो, जैसे हम क्या करते हैं कि हम एक वीकर लेते हैं, कोई वेसल लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, पॉट लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि 100 ml वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, मान लो हमने क्या ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया। समझना इस चीज़ को, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने क्या किया कि वेसल लिया, उसमें क्या लिया, 100 ml वाटर लिया। कितना लिया भाई, 100 ml वाटर लिया, और हमने मार्क कर लिया कि ये 100 ml वाटर कहाँ तक आ रहा, हमने पेंसिल से क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब क्या करते हैं, समझिएगा बात को, हम क्या करते हैं उसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करके, अब देखो हमने क्या किया, 50 ग्राम क्या किया हमने, शुगर को ऐड कर दिया इसमें, 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया, और इसको हमने क्या किया, थॉरली मिक्स कर दिया, थॉरली स्ट्रिप से क्या किया हमने, मिक्स कर दिया, यानी क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि जो लेवल हमने मार्क किया था बिना शुगर के घोले हुए, वही मार्क इसमें भी है, यानी जहाँ तक लेवल पानी का था वही वहाँ तक लेवल किसका है, शुगर सॉल्यूशन का है, यानी कि कोई भी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जो शुगर घोलने के बाद भी जो इसका वॉल्यूम है उतना ही है जितना पानी का था, यानी लेवल यही वाला है सेम,
यानी कि लेवल में कमी या बेसी नहीं हुई है, यानी कि लेवल क्या है, सेम है। यानी हम कह सकते हैं कि 50 ग्राम चीनी मिलाने के बाद भी लेवल वाटर का नहीं बढ़ा, शुगर सॉल्यूशन का लेवल नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि वाटर के बीच, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कुछ गैप है, पार्टिकल बीच में क्या है, गैप है। उसमें क्या, जो चीनी है शुगर अपना क्या है, उसमें जा करके मिक्स हो गया। क्लियर हुआ? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से कि शुगर घोलने के बाद भी वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ठीक है, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल का, वो क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। घर पे जाते हैं हम लोग, तो मम्मी जब पूजा करती है, अगरबत्ती जलता है सुबह सुबह 6 बजे, मेरी मम्मी तो पूजा करती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं खूब, आपकी मम्मी भी जलाती होंगी। तो क्या होता है, जब मम्मी अगरबत्ती जलाती हैं अपने पूजा वाले रूम में, हम सोए होते हैं बगल वाले रूम में, फिर भी हमें क्या सुगंध आती है कि नहीं आती, अगरबत्ती की सुगंध आती है कि नहीं आती, जल्दी बताओ, आती है। तब देखो समझना क्या है, अगरबत्ती मम्मी जलाई पूजा वाले रूम में, अब महक आ गया बगल वाले रूम में, कैसे हुआ? अगर पार्टिकल्स मूव नहीं करते गैस के, एयर के, तो शायद हमारे पास नहीं पहुंच पाते। इससे हमें ये प्रूफ हो रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, क्या करते हैं भाई, मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली। क्लियर हो रहा है? अब जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स आपका वो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अभी समझाता हूं, टेंशन मत लीजिए, क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करो अगर मैं मार्कर की बात करूं, अभी क्या एक मैटर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, आपको पता भी है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लगता है पार्टिकल्स के बीच में, जिससे क्या है, टाइटली बॉन्ड है। अब सोचो देखो समझो यार, ये क्या है, मान लो एक कोई हमारा कॉपर का स्ट्रिप है, कॉपर है तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना होगा। अब देखो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के जो पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो ये इस फॉर्म में है। यानी कि क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी ना किसी फोर्स से क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है? अब एक चीज और समझते हैं, यहां तक क्लियर हो रहा है? अगर कहीं से भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बनेगी, कमेंट बॉक्स में ही आंसर मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आप बिल्कुल शरमाइए मत, कमेंट करिए धकाधक। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये क्लास 9 का चैप्टर बहुत टफ नहीं है, मैं ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, इतना अच्छा लैंग्वेज में नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा दावा दोनों है भाई। ठीक है, अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर जान गए, उसके पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग जान लिए। अब थोड़ा जानते हैं कि जो मैटर है उसके क्लासिफिकेशन, मैटर भी भाई कई प्रकार के होते हैं, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने यार दोस्तों को भी पढ़िए और पढ़ाइए। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ना था हम लोगों को, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्या पढ़ना था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखो मैटर को बेसिकली हम क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, दो बेस पे क्लासिफाई किया है तो मैटर को। लेकिन हम लोग क्लास 9th के पहले चैप्टर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर को फिजिकल स्टेट पे कितने पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि मैटर को देखा जाए, अगर हम कहें मैटर को अगर डिवाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में, बात कर रहा हूँ फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से,
केमिकल कंपोजिशन का क्लासिफिकेशन जो बेसिस होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग फिजिकल बेस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं मैटर को, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए मैटर को बेसिकली क्लास नाइन्थ में तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या है भाई? सॉलिड्स, सेकेंड है लिक्विड्स एंड थर्ड है गैसेज। दो स्टेट और है न्यूली डिस्कवर्ड, प्लाज्मा और क्या है भाई, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन क्लास नाइन्थ के हिसाब से आप लोगों को ये तीन चीज़ें पढ़नी है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, कई तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस चैनल पर बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई किए हैं मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। अब समझते हैं इनके थोड़ा क्लासिफिकेशन को, कैसे हम कहेंगे कि कोई भी जो मैटर है वो सॉलिड है, कैसे कहेंगे कि कोई भी जो सॉलिड सॉरी जो मैटर दिया हुआ वो क्या है, लिक्विड है, गैस है, कैसे कहेंगे, क्या बेस है हमारा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं, क्या बताया मैंने, क्लासिफिकेशन। चलिए आपको मैं बताता हूँ, सॉलिड इधर मैं लेता हूँ, लिक्विड को आप भी ले लो, ठीक है, इधर मैं लेता हूँ गैस को, ठीक है। पार्टीशन बना दो भाई, क्यों, क्योंकि तीनों में डिफरेंस हम लोग क्रिएट करेंगे, पहचाने के कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, अगर एग्जाम्पल में ले लूँ तो क्या ले लूँ भाई, सॉलिड में आइस ले लेता हूँ भाई, बर्फ का टुकड़ा, वो भी एक सॉलिड ही होता है भाई, है कि नहीं। लिक्विड में मैं क्या ले लूँ, वाटर ले लेता हूँ भाई, गैस के एग्जाम्पल में क्या लेने भाई, वाटर वेपर ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने तीनों वाटर का ही फॉर्म लिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैंने क्या ले लिया, सॉलिड में आइस ले लिया एग्जाम्पल में, लिक्विड में वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर है ना भाई, चलो कोई बात नहीं, हाँ आवाज़ आ रही है, गैस में वाटर वेपर ले लिया हमने या फिर स्टीम ले लिया, बात वही है, ठीक है। अब समझते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए कोई भी सॉलिड है तो क्या है, अगर सॉलिड को हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं, लिक्विड को गैस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड हैव, अगर पहले पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। जो सॉलिड होता है उसका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, कैसे, अगर मान लो मैंने एग्जांपल में क्या लिया था, आइस को, चलो मैं एग्जांपल मार्कर को लेता हूँ, ठीक है। मार्कर क्या, हमारा मार्कर एक सॉलिड है भाई, दिख रहा है सॉलिड है कि नहीं है, हाँ आवाज़ आ रही है, सॉलिड है। देखो तो क्या बोला मैंने, सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का जो शेप है नॉर्मल टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा, मैं इस हाथ में रखूँ या फिर इस हाथ में रखूँ, इसका शेप क्या रहेगा, शेप एकदम फिक्स रहेगा, यानी डेफिनेट शेप रहेगा, यानी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एंड फिक्स वॉल्यूम का मतलब अगर मैं इसको कहीं भी रखूँ तो उतना ही स्थान घेरेगा, स्पेस घेरेगा, वही तो वॉल्यूम होता है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो कितना स्पेस घेर रहा है, इतना स्पेस घेर रहा है। अगर ऐसे रखूँ तो इतना ही स्पेस घेरेगा, बैग में डाल दूँ तो उतना ही स्पेस घेरेगा, ठीक है। अगर इसको छत पे रख के आ जाऊँ तो उतना ही स्पेस घेरेगा, यानी कि सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, क्लियर हो रहा है। हम लोग लिक्विड की यानी कि वाटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर में आपको क्या लग रहा है, सॉलिड्स में सॉलिड है फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, लेकिन वाटर में क्या होता है, सॉलिड हम क्या कह सकते हैं पहले पॉइंट में, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या समझ में आ रहा है भाई,
जो लिक्विड होता है, लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स्ड शेप, लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। अगर पानी का कोई शेप है क्या भाई? जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। अगर हमने पानी को कुकर में रख दिया आलू बॉयल करने के लिए, समझो कंसेप्ट को, समझो कुकर मत समझो, हमने क्या किया, पानी को अगर कुकर में रख दिया तो कुकर के साइज का हो जाएगा, कुकर के शेप का हो जाएगा, शेप का हो जाएगा, साइज का नहीं हो जाएगा। अब देखो, अगर गिलास में रख दिया तो गिलास के शेप का हो जाएगा। अगर हमने पानी को किसी अदर वेसल में रख दिया, उसी वेसल का आकार ले लेता है, यानी शेप क्या होता है इसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या बताया मैंने, कि अगर आप कहीं से भी दूध लेंगे एक लीटर, तो एक लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि दूध लेकर के आए अंकल के यहाँ से, दूध शर्मा जी के यहाँ से दूध लेकर के आए, घर पे आते ही आधा लीटर हो गया, वॉल्यूम ही चेंज हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता तो हम दूध ही नहीं लेने जाते, घाटा हो जाता ना हमारा। यानी वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन इसका शेप क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट होता है, यानी नॉट फिक्स्ड। यानी जो क्या होता है वो लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब जो दूसरा डिफरेंस, अब चलिए गैस को भी देख लेते हैं। गैस में भाई कुछ भी नहीं होता है, नीदर फिक्स वॉल्यूम नॉर फिक्स शेप। यानी कि हम लोग कह सकते हैं गैसेज हैव नीदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। यानी गैस में क्या होता है, ना ही फिक्स शेप होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। कैसे, ठीक है, गैस को अगर हम बातचीत करें, शेप की बात करें, तो उसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जिस वेसल में रखेंगे उसी प्रकार का हो जाएगा। अगर हम बातचीत करें, अगर मान लो कि कोई परफ्यूम का बॉटल है, ठीक है, उसमें मान लो कि 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, परफ्यूम को मॉलिक्यूल मान लेते हैं 1000 है, तो उसको हम क्या कंप्रेस करके एक छोटे से परफ्यूम के बॉटल में रखे हुए हैं, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, एक बॉटल के बराबर हो गई। लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, यानी कि स्प्रे करके उसको हम निकाल देते हैं, 1000 मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा उसका वॉल्यूम रूम का हो जाएगा। उसका वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पूरे रूम के बराबर हो जाएगा। लेकिन बॉटल में है तो किसके बराबर है, बॉटल के बराबर उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और क्या है, नीदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अब जो दूसरा डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें सॉलिड लिक्विड और गैस में, तो क्या हो सकता है। अगर हम लोग सॉलिड में देखें तो सॉलिड्स कांट कंप्रेस्ड मच, यानी सॉलिड को हम बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सपोज करो ये हमारा, सपोज क्या करना है, सॉलिड तो ही है, इसको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, निग्लिजिबल, हम कंप्रेस इसको कर ही नहीं सकते हैं कितनी भी ताकत लगा लें तो, यानी कि कंप्रेसिबल नहीं होता है। जो सॉलिड होता है बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, यानी कि सॉलिड्स कांट कंप्रेस्ड मच, ठीक है। लिक्विड भी मॉडरेट होता है, यानी लिक्विड को क्या कर सकते हैं, बहुत ही मॉडरेट में मतलब कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको भी कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। यानी हम लिख लें यहाँ पे, अगर हम लिख दें तो लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कांट कंप्रेस्ड मच, ठीक है। और गैस को इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम क्या कर सकते हैं, गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलो बोतल को हटा दो भाई, बोतल की जरूरत नहीं है, यानी गैसेज क्या बोल सकते हैं, गैसेज कैन कंप्रेस्ड इजिली। अब देखिए एक चीज समझिए, मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या लिया यहां पे, ये हमारा क्या है, सॉलिड में जो होंगे पार्टिकल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत नजदीक होंगे सॉलिड में, क्या होंगे, अगर अगला पॉइंट लिखे तो पार्टिकल्स क्या होंगे,
सॉलिड में बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे, दिख रहा है आपको, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होंगे। नज़दीक होंगे तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी पहले से क्या नज़दीक नज़दीक हैं। और जो इनके फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि लिख सकते हैं मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिख रहा है ना, यानी इनके पास क्या होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और गैप क्या होता है, गैप इज मिनिमम, गैप इज मिनिमम, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होता है मिनिमम होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होगा, अगर हम लोग लिक्विड की बात करें, हम लोग लिक्विड की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें भी पार्टिकल्स क्या होंगे थोड़े से दूर दूर होंगे, इसके अपेक्षा थोड़े से पार्टिकल लिक्विड में दूर दूर होंगे, तो क्या कह सकते हैं मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, क्या कह सकते हैं मॉडरेट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिकुलर गैप, ठीक है। मॉडरेट होता है यानी कि बीच का होता है इनका, यानी कि सॉलिड से थोड़ा सा गैप इनमें ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है थोड़ा सा कम होता है इनसे, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें देखा जाए, गैस में देखा जाए तो इनके गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा इज मैक्सिमम, इंटरमॉलिकुलर गैप क्या होगा मैक्सिमम, देख रहे हैं बहुत दूर दूर है, गैपिंग ज्यादा है, एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इज मिनिमम, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं, इनके बीच में प्यार थोड़ा कम है, और सॉलिड्स के बीच में क्या है प्यार पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, इसलिए क्या है बहुत ज्यादा अटैच है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इनमें क्या है अट्रैक्शन कम है, क्लियर हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, डेंसिटी की बातचीत करें तो आइस यानी कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी हाई होगी, डेंसिटी क्या होगी हाई होगी, क्यों हाई होगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है नज़दीक नज़दीक है, यानी कि इनको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, इसमें क्या लिख सकते हैं मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी कि इससे थोड़ी सी कम होती है, यानी मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, इसमें डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी इज मिनिमम, डेंसिटी क्या होती है मिनिमम होती है। एक और डिफरेंस हम लोग क्रिएट करें तो देखो जगह दिख रहा है आप लोगों को, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, दिख रहा होगा। चलिए जो सॉलिड होता है दे कांट फ्लो, यानी सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है, सॉलिड डोंट फ्लो, लिक्विड लिक्विड फ्लो करेगा या नहीं करेगा, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली, यानी लिक्विड का जनरली फ्लो करता है इजिली, और गैसेज तो आराम से फ्लो करेगा भाई, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है बहुत दूर दूर है, इजिली क्या कर सकता है वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें, इसको मिटा दें, रफ कर दें, आप लोग लिखते जाना साथ में, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा नोट्स के साथ पढ़ाता हूँ, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए क्या करना है कॉपी पेन ले करके बैठना है, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आपको कॉपी पेन ले कर बैठना है, क्या करना है भाई, तो आप बोलते रहो आवाज़ नहीं आ रही यहाँ तक, हाँ आवाज़ आई, क्या करना है कॉपी पेन ले कर आपको बैठ जाना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा सा आपके लिए कंसेप्ट है, आई होप को आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखो आप क्या, आपको मैं बता रहा था फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, फ्लूड क्या होता है द एबिलिटी टू फ्लो, यानी कि जो भी मैटर फ्लो कर सकता है उसे हम क्या बोलेंगे फ्लूड बोलेंगे। अभी मैंने बताया कि सॉलिड फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं भाई, उनके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्या करते हैं वो फ्लो नहीं करेंगे। बट लिक्विड और गैस क्या करते हैं फ्लो करते हैं। फ्लूड में कौन आता है, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूड, लिक्विड और गैसेज क्या है भाई ये फ्लूड है। फ्लूड में हम किसको इंक्लूड करते हैं, लिक्विड और गैसेज को, क्लियर हो रहा है।